सौंदर्य सबसे पहले गाने की मैं बात करूँ, आई नो काफी लोग ने कॉम्प्लीमेंट किया रहेगा खूबसूरत सौंदर्य ये सब, आई नो। तो सबसे पहले पहला गाना टी सीरीज के साथ, किस तरह से प्रमोशन किस तरह चल रहा है एंड कितने अच्छे रिस्पॉन्स आए सॉन्ग को लेके? प्रमोशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई फील अमेजिंग कि बिग बॉस के बाद फर्स्ट कोलैब है और इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, अमेजिंग टीम, अमेजिंग सिंगर्स, सो बहुत अच्छा फील हो रहा है और हमने इतनी अच्छी जगह पे शूट किया है, व्हाट एल्स आई कुड हैव आस्क्ड फॉर। इज इट महाबलेश्वर और इट्स महाबलेश्वर और गाना शूट नहीं होता तो सोचो मैं महाबलेश्वर कभी देख नहीं पाती। फर्स्ट विजिट कब हुआ ये गाने की शुरुआत मैं करूँ, बिग बॉस से पहले शूट हुआ, आफ्टर बिग बॉस? नहीं, शूट अभी हुआ है, शुरुआत पहले हो गई थी बिग बॉस के, पहले हम शूट नहीं कर पाए थे, आने के बाद और भी चीजें हो गई हैं बट ये हमने शूट किया अभी एक महीना पहले और फिर एडिट वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। सो किस तरह के रिस्पॉन्स अब तक आए हैं सोशल मीडिया पे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इन द टाइम जब आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट सॉन्ग है, हैप्पी गो लकी, ईजी ब्रीजी, जो कि एक नॉर्मल लाइफ में लोग सोच नहीं पाते हैं। अरे जैसे हम एक पहले नहीं देखते थे फिल्मों में इतनी अच्छी लाइफ होती है, ये इतने अमीर कैसे हो जाते हैं, हम हमेशा बचपन में सोचते थे ना हीरो हीरोइन के लिए, उसी तरीके का एक अमेजिंग पॉजिटिव फीलिंग वाला गाना है, डिफरेंट सेट। गाने में पेंटिंग भी की थी आपने, अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह की पेंटिंग की है वो? उसमें आई लव यू लिखा है। हाँ, आशीष प्रिटेंडिंग कि मैं पेंट कर रही हूँ बट लिख रही है वो आई लव यू। आपने लिखा था वो? नहीं, वो प्रोडक्शन ने लिखा था। बट आपकी लाइफ की मैं बात करूँ, जिस तरह से बदलाव एक जो 6-7 महीने में, बीच में आप जब घर पे भी थे, आपने एक OTT भी किया था MX प्लेयर के साथ, किस तरह से लाइफ में बदलाव दिखा है इन ड्यूरिंग दिस 6-7 मंथ्स? एक्चुअली जब मैं बिग बॉस के घर में थी, जिस दिन मैं घुस रही थी घर में, उस दिन उसी दिन मेरा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे शो रिलीज हुआ था, कर्मयोद्धा। और व्हाइल आई वाज इनसाइड द हाउस कंट्री माफिया आया Z5 पे, फिर थैंक गॉड आए, उसमें तो कैमियो है और रक्तांचल पहले आ चुका है। सो गॉड इज काइंड टू मी, वट एवर हार्ड वर्क आई हैव बीन डूइंग इन मतलब कोविड के टाइम पे और उसके बाद, वो सब काम अभी रिलीज हुआ, क्योंकि नॉर्मल एक प्रोसेस होता है एडिट के बाद और के शो बाहर आने का, फिर चैनल डिसाइड करता है कि कब प्रमोट करना है, कब हमारे पास एक स्लॉट है, तो वो चांस की बात ऐसी है कि सब कुछ तभी उसी टाइम पे फॉल करा। और उसके बाद मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं 4.5 महीना घर में रह जाऊंगी, मैं तो 4 हफ्ते के लिए गई थी क्योंकि मेरा कुछ काम शुरू होने वाला था नवंबर एंड में, एंड वो ऐसा हुआ कि अभी चीज़ें पूरा बदल चुकी हैं, बहुत अच्छा अमेजिंग रिस्पॉन्स हुआ है और फिर गाना बाकी और भी चीज़ें चल रही हैं। इंडिपेंडेंट सॉन्ग को किस तरह देखते हैं एज एन एक्टर और इतने बड़े लेबल के साथ डेब्यू करना? या बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक एक अच्छा सिंगल आना, एक मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर का रिकॉल वैल्यू लाइफ में सॉन्ग से ही होता है। आज कितने भी बड़े आप एक्टर्स अगर आप देखें, जितने भी लेजेंड रहे हैं या जो भी सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत ज़्यादा उनको उनकी फिल्म और एक्टिंग के लिए तो डेफिनेटली याद करते हैं, बट आप गानों से उनको ज़्यादा याद करते हैं। तो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनके किटी में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हों। सो आई फील कि गॉड इज़ काइंड। पर आपको अगर मौका मिले कोई ऐसा सॉन्ग जो रिक्रिएट करना हो, तो कौन सा ऐसा सॉन्ग होगा जो रिक्रिएट करना आप पसंद करोगे? बहुत सारे हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। एनी ऑफ यू? आई थिंक माधुरी दीक्षित का 1-2-3 डेफिनेटली, तू शायर है मैं तेरी शायरी, ये सब सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। आई मीन यू नो दैट 90s किड ना, तो वो सब पसंद है गानों का, जो म्यूजिक का डेवलपमेंट होता था उस टाइम पे। और भी बहुत गाने हैं यार, क्लासिक। और स्क्रीन प्ले की अगर मैं बात करूँ कि जितना भी मैंने देखा है, वो सीरीज़ की मैं बात करूँ, फिल्मों की मैं बात करूँ, थैंक गॉड की मैं बात करूँ, काफ़ी कम मुझे पर्सनली ऐसा लगा काफ़ी कम स्क्रीन प्ले आपको मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी कम स्क्रीन प्ले आपको भी मिलता है, आपको इससे ज़्यादा मिलना चाहिए? नहीं, आपने कौन सा देखा? थैंक गॉड मैंने देखा था, जिससे कैमियो था। कैमियो था, कैमियो को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? वो तो फिल्म एक्चुअली में करना ही नहीं था, वो तो था ही नहीं। मैं तो एक लुक टेस्ट दे रही थी जहाँ इंदु जी ने मेरा एक वो देखा ऑडिशन चलते हुए, और कोई और लोग एक्टर फाइनलाइज था उसके लिए, कैरेक्टर के लिए। तो जब वो फ्लिप करके देख रहे थे, उन्होंने बोला इसको बुलाओ, और मेरा एक्चुअली रक्तांचल का उस वक्त चल रहा था,
तो ऐसे उन्होंने मुझे बोला कल सुबह सेट पे आ जाना, करोगे? तो मैंने बोला सर मैं मना थोड़ी करूंगी, ही इज अ बिग डायरेक्टर एंड यू नो सो मच, इट्स अमेजिंग टू बी पार्ट ऑफ एन अमेजिंग प्रोडक्शन. आई सेड डेफिनेटली, बट दिस आई शॉट इन 21, लॉन्ग बैक, बिफोर, मतलब 21 दो साल पहले, और 22, अब हम 23 में हैं, पर जब मैं गई बिग बॉस के घर में तब तो 22 था, सितंबर एंड, आई नो, बट शूट हमने तब किया था बिकॉज़ अजय सर की डेट्स नहीं थी, उनका शूट नहीं हो पाया था, फिर सेकंड वेव आ गया था 21 में, तो बहुत लोगों की लाइफ डिस्टर्ब्ड हो गई थी. सो एनीवे वो हुआ. बाकी कंट्री माफिया इज अबाउट मी, यस, रक्तांचल 2 इज अबाउट मी, कर्मयुद्ध इज एन एनसेंबल कास्ट अगेन, वेरी दिस थिंग रांची डायरीज इज द मेन माय डेब्यू. इफ यू वांट टू एक्सप्लोर जो मेन रहता है क्या रहेगा, ओटीटी रहेगा या फिर नो फिल्म सी ओटीटी तो बीच में इसलिए आ गया था बिकॉज़ फिल्म्स बनी नहीं रही थी बिकॉज़ ऑफ पेंडेमिक, राइट, बट डेफिनेटली आई वुड लव टू डू मोर फिल्म्स. सी वर्क इज वर्क, आई एम ओके टू वर्क इवन इन ओटीटी, एवरीथिंग इज अमेजिंगली बीइंग ड्रिवन राइट नाउ, बट या फिल्म्स. यस, कमिंग बैक टू सॉन्ग, अगर मैं गाने की मैं बात करूँ, महाबलेश्वर जैसा आपने पहले ही कहा कि फर्स्ट टाइम आप गए थे, तो कोई यादें अगर कुछ अगर बताना चाहोगे, कुछ ऐसा हुआ जो आपके साथ अभी भी रहेगा? नहीं नहीं, यादें तो ये हैं कि हम जगह जगह जहाँ भी स्ट्रॉबेरी देख रहे थे हम रुक जा रहे थे, क्योंकि वहाँ की स्ट्रॉबेरीज बहुत फेमस हैं एंड ब्यूटीफुल लोकेशन. लाइक इफ आई हैड गिवन अ चांस आई वुड डेफिनेटली गो बैक टू महाबलेश्वर, इतना सुंदर है, मुझे पता ही नहीं था बिकॉज आई हैडन्ट गॉन देयर. बाकी द मेमोरीज ऑफ द सॉन्ग या यही होती हैं. अब आई डोंट नो क्या स्पेसिफिक आंसर दूं इस चीज का. अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग कमिंग अप, अगर कुछ आने वाले समय में? यस, वन और टू थिंग्स आर इन द पाइपलाइन. But we'll talk about them later. Is it movie, song, like, movies. I know, आप नहीं कह सकते, but क्या है, movie है, OTT? Movies, and I'm only pouring into that, so let's see. Okay, lastly, audience को छोटा सा message. Thank you fans, everybody, हमारा नया गाना रिलीज हुआ है, मेरा नया गाना रिलीज हुआ है, खूबसूरत, टी सीरीज पे, so please आप जाके देखिए, गाने को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप की तरह गाने को फैला दो. And thank you for giving me all your love, and I need your love and support, and keep showering that. Thank you. Thank you.